हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच। सो ये जो आज की वीडियो है, हर उस इंसान के लिए है जो कि अपने फेस का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट है वो ये है। ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है जो कि मैंने purple.com से मंगवाया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का, रोज़ फेस पैक है, रोज़ हाइड्रेटिंग फेस मास्क, जो कि आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद 10 to 15 minutes इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एंड उसके बाद आप वॉश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ग्लोई स्किन मिलेगा। क्योंकि ये रोज़ का है, रोज़ में एक एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, वाइटमिन्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है। एंड जिन लोगों की स्पेशली ड्राई स्किन है, उनको तो अपने फेस पे रोज़ ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कुछ नहीं तो रोज़ वाटर ही अप्लाई करो, बट अप्लाई करो, क्योंकि रोज़ आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एंड जिन लोगों की ऑयली स्किन है या जिन लोगों की नॉर्मल स्किन भी है, ना ही ज़्यादा ड्राई ना ही ज़्यादा यू नो ऑयली, वो भी इसको अप्लाई करें। चाहे वो फेस मास्क को अप्लाई करें या फिर रोज़ फेस वॉश यूज़ करें, कुछ भी करें, आप अपने फेस पे रोज़ ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी एंड जो भी आपके डेड सेल्स होंगे उन वो रिमूव होंगे। सो ये पैक जो है ये 50 grams का है एंड इसकी जो बॉटल है वो, ये जो कंटेनर है वो प्रीमियम ग्लास का है। सो ये इसकी जो कॉस्ट है वो, इस पर जो प्रिंटेड रेट है वो 225 का है, बट ये मुझे 100 something में मिला था purple.com से। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं या फिर वहाँ से चेक कर सकते हैं इसके रिव्यूज़ वगैरह, आप वहाँ से और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए, अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो। बट मैं जेन्युइनली वही प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूँगी, वही चीज़ें आपको बताऊँगी जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ एंड मैंने खुद इसको यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगा। यही रीज़न है कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट मंगाती हूँ तो मैं खुद पे पहले इसको टेस्ट करती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है तभी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड क्यों करूँगी, एंड मेरे भी तो पैसे वेस्ट होंगे ही ना। सो एंड जिस तरह से मेरे पैसे वेस्ट होंगे उस तरह से आपके भी पैसे वेस्ट होंगे, इसलिए मैं कभी भी आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूँगी जो कि आपकी स्किन के साथ या फिर आपको किसी भी तरह का डैमेज दे सके या फिर आपको किसी भी तरह से हर्ट करे। चाहे वो आपकी, आपको ऐसा लगे कि यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए, या आपको ऐसा लगे कि नहीं ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये जो प्रोडक्ट है ये गुड वाइब्स का है। सो ऑब्वियसली इसमें किसी भी तरह का सल्फेट्स नहीं होंगे, कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, जिससे कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी एंड डैमेज नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। सो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। 50 grams का पैक है। सो आप चाहें तो इसको एज अ टेस्टर भी मंगवा सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 100 something का मिलेगा आपको। सो आप एज अ टेस्टर भी इसको मंगा सकते हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको रीऑर्डर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कुछ और ट्राई कर लीजिएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बेकार है। सो कीप ट्राइंग एंड कीप इनोवेटिंग। सो ये इस तरह से ओपन कर लिया है मैंने इसकी लिड को, इसको अगर मैं हटाऊँ, मैंने इसको यूज़ किया है, यही रीज़न है कि इसका बुरा हाल हो रखा है। सो आप इसके कलर देख सकते हैं, इसके कलर एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मैंने इसको यूज़ किया, आपको पता लग रहा होगा इसका हाल देख के। सो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। यही रीज़न है इसमें किसी भी तरह का केमिकल उसकी स्मेल नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी जो स्मेल होती है, जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है, वो इतनी अजीब सी आती है कि आप उस प्रोडक्ट को लगाना भी पसंद नहीं करते। सो उस चीज़ में ये परफेक्ट है कि इसमें किसी भी तरह की एडिशनल केमिकल की कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है। रोज़ की, जेन्युइन रोज़ की फ्रेग्रेंस है इसमें, क्योंकि उसमें वही इस्तेमाल किया गया है। एंड इसका कलर आप देख सकते हैं, बेबी पिंक कलर है एंड ये 50 grams का है। आप इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करिए, जैसे बाकी पैक्स मैंने आपको अप्लाई करके दिखाए हैं, ये भी मैं कभी आपको अप्लाई करके दिखा दूँगी ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मैं इसको यूज़ करती हूँ। फिलहाल मैंने मेकअप कर रखा है इसलिए मैंने इसको अप्लाई नहीं किया। सो इसको इस तरह से अप्लाई करना है आपको, किसी भी पैक की तरह या ब्लीच की तरह जैसे आप अप्लाई करते हो, और उसके बाद 10 to 15 minutes इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा देन आप इसको फेस वॉश कर लीजिए अपना,
पानी से, नॉर्मल पानी से। एंड सो ये जो प्रोडक्ट है, मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये हाइड्रेटिंग रोज़ हाइड्रेटिंग फेस पैक है। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेनली जो हैं वो आपके सारे जो भी यूज़ किए गए हैं, रोज़ वाटर, कैलमाइंस, प्योरीफाइड वाटर, जो भी आपके ये यूज़ किया गया आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। एंड रोज़ इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि रोज़ जो होता है वो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। आपके अगर चाहे ड्राई स्किन है या आपकी कोई और भी स्किन है तो वह आपकी स्किन में जो छुपा हुआ डर्ट है, डेड सेल्स हैं, उनको रिमूव करता है, नेचुरल ग्लो देता है। एंड आपको अगर कई बार ऐसा होता है आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है एंड उससे क्या होता है कि आपकी स्किन थोड़ी रफ़ हो जाती है, आप मेकअप करते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। मेरी नहीं होती क्योंकि मेरी इतनी ड्राई स्किन नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको भी खुद भी, जिसकी ड्राई स्किन नहीं भी उसको भी फील होता है कि ड्राई हो गई। या कभी समर्स वगैरह के टाइम पे आपका मन करता है कि आपको थोड़ी ठंडक चाहिए अपने फेस पे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने से आपको थोड़ी ठंडक फील होगी, आपकी स्किन जो एक हार्शनेस है आपकी स्किन में वो दूर हो जाएगा, ये सॉफ्ट बनाएगा आपकी स्किन को। सो फॉर मी इट इज़ अ वैल्यूएबल पैक। ट्रूली आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। आई होप कि अगर आप इसको बाय करते हैं तो आपको भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगे। सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड मेरी वीडियोज़ को खूब सारा शेयर किया करो ताकि और भी लोग मेरी वीडियोज़ को देख सकें। चला।